एक सेमिनार किया हमने, बड़ा सेमिनार था, और एक बहुत ही शार्प कपल उस सेमिनार में पहली बार आया था, किसी ने बुलाया। तो वो कहने लगा कि मैंने मिलना है, मेरे साथ मिलना है। तो वो जो था बंदा जिसने उनको बुलाया था, वो उनको पीछे ले आया बैक स्टेज। तो बैक स्टेज आ गए और कहते हैं, ये एक क्वेश्चन है हमारा, अगर पूछो। बोलते इस बिजनेस में डेली बेसिस पे कितना टाइम लगाना पड़ेगा। मैंने कहा ये क्वेश्चन तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। मैंने कहा ऐसा है कि इस बिजनेस में टाइम के प्रोपोर्शनल सक्सेस नहीं मिलती है। बड़े हैरान हुए, कहने लगे मतलब टाइम लगेगा। मैंने कहा मैंने आपको क्या बताया कि इस बिजनेस में टाइम के प्रोपोर्शनल सक्सेस नहीं मिलती है। आप जितना मर्जी टाइम लगा लो, आप तब भी इस बिजनेस में फेल हो सकते हो, और बहुत कम टाइम लगा के भी आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। डिपेंड ये करेगा कि जो आप टाइम लगाओगे वो कितना इफेक्टिव होगा। तो कहने लगे मतलब? मैंने उनको बताया, मैं आपको बताता हूँ आज, ये बिजनेस टाइम से नहीं चलता। टाइम से जो काम चलते हैं ना, जो टाइम से चलते हैं, उसको आप डेली वेजेस के साथ कंपेयर कर सकते हो। कि अगर पूरी दिहाड़ी लगाएगा एक मजदूर इतने पैसे कमाएगा, पूरी दिहाड़ी लगाएगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ज़्यादा कमाएगा, पूरी दिहाड़ी लगाएगा एक डॉक्टर तो और ज़्यादा कमाएगा। लेकिन ये जो लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस होते हैं, ये टाइम के प्रोपोर्शनल सक्सेस नहीं देते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में आप दूसरे बंदे को गाइड करोगे, इंस्पायर करोगे, लीड करोगे, और टाइम तो मिला जुला लगेगा। सबसे पहले डिपेंड करेगा कि आपको कितनी क्लैरिटी है इस बिजनेस मॉडल की, आपको क्या पता है कि दुनिया में इस बिजनेस मॉडल में क्या हुआ है, किस तरह के लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, क्या आपको कुछ स्टोरीज पता है, सक्सेस स्टोरीज, उसने बिजनेस किया, उसने बिजनेस किया। क्या आप बिल ब्रिट की स्टोरी जानते हो? क्या आप डेक्सटर येगर की स्टोरी जानते हो? क्या आप जानते हो कि उनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं? क्या आप जानते हो उनकी बायोग्राफीज लिखी गई हैं? क्या आप कुछ सक्सेसफुल डायमंड जो इंडिया में है उनकी स्टोरी जानते हो? क्या आपको इस बिजनेस मॉडल की कैलकुलेशन पता है? क्या आपको इस बिजनेस मॉडल के सारे फीचर मालूम है? क्या आपके माइंड में इस बिजनेस मॉडल के लिए पूरी क्लैरिटी है? क्या आप हर सवाल का जवाब देने को तैयार हो? क्या आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी नॉलेज है? क्या आपको प्रोडक्ट्स के रेट्स, क्वालिटी, एफिकेसी, उसके बारे में पूरा पता है? अगर आपको प्रोडक्ट्स भी क्लियर हैं, अगर आपको बिजनेस मॉडल भी क्लियर है, अगर आपको लोगों के बारे में पता है जो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, स्टोरीज पता है, और अगर आप इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो, तो आपका टाइम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। हो सकता है आप एक बंदे को मिलो और उसको इतना बढ़िया गाइड करो कि वो पूरा रॉकेट की तरह काम करने लग जाए। हो सकता है फिर आप दूसरे बंदे को मिलो और आप उसको इतना बढ़िया तरीके से इंस्पायर करो कि वो इस बिजनेस में पूरा कमिटेड हो जाए। और हो सकता है कि आप खुद ही इतने डरे हुए हो कि आप इस बिजनेस में समय लगाओ, लेकिन वो समय इफेक्टिव नहीं हो, आप लोगों के पीछे घूमते रहो, लोग आपको ज्वाइन ही नहीं करें। इस बिजनेस में सक्सेस टाइम के प्रोपोर्शनल नहीं मिलती है। इस बिजनेस में सक्सेस लीडरशिप के प्रोपोर्शनल मिलती है। एंड लीडरशिप इज अबाउट नॉलेज, अबाउट क्लैरिटी, अबाउट पोस्चर। और इस बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती है। एक्चुअली मोर देन 95% पीपल, मे बी मच मोर देन 95% पीपल बिल्ड दिस बिजनेस ओनली ऑन द पार्ट टाइम बेसिस। और वो अपने पेरेंट प्रोफेशन में पूरे बिजी होते हैं और साइड में इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। पहला एक साल जब मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया, जिसका सबसे ज्यादा श्रेय था, जब हमने सबसे बड़ी सक्सेस ली, जिस इतनी सक्सेस थी जिसने मेरे को कंफर्टेबल बना दिया अपनी नौकरी से बाहर आने के लिए, वो सक्सेस जो हमने ली पूरे एक साल जो हमने काम किया, वो टोटली पार्ट टाइम था। मैं जॉब भी कर रहा था, जॉब भी पूरी बिजी, जिसमें मेरे पास बहुत ही कम समय होता था, और पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा था। और बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल होते हैं हमने इस बिजनेस में देखा है।
people from job background, self-employed people, people with business background, जिनके अपने traditional business हैं, उन लोगों को हमने कामयाब होते देखा है, पूरे busy हैं अपने काम में और इस business में बहुत ही कम समय लगा के successful हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो free हैं, इस business में आते हैं और कहते हैं हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है और पूरी तरह से पूरा का पूरा समय इस बिजनेस में लगाते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते। बेसिकली सबसे पहली चीज है, आपको प्रोडक्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको बिजनेस मॉडल की क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको बात कैसे करनी है आना चाहिए, सवाल पूछने की आदत बनानी पड़ती है, सुनने की आदत बनानी पड़ती है, सामने वाले बंदे को समझना आना चाहिए। सबसे बढ़िया चीज क्या है, इस बिजनेस को सीखा जा सकता है। जब आपने नहीं सीखा तो आपको मुश्किल लगता है और जब आप सीख जाते हो तो वही बिजनेस बहुत आसान लगता है। बहुत लंबे चौड़े समय का चक्कर नहीं है, बहुत ही कम समय में पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड किया जा सकता है।